तो अगर आपके घर में क्लेश है, आपके घर में नेगेटिविटी है और परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, तो ऐसे में बारिश का पानी आखिर कैसे आपके लिए असरदार उपाय कर सकता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, घर में क्लेश है, आखिर कैसे बारिश का पानी इन सब चीजों को दूर कर देगा? देखिए, परिवार में क्लेश है, पारिवारिक सुख नहीं है, तो विष्णु जी का बारिश के जल से अभिषेक करिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा या लड्डू गोपाल की प्रतिमा अगर आपके घर में है, तो बारिश का शुद्ध जल पीतल के बर्तन में बरसात की बूंदों का जल इकट्ठा कर लीजिए और उसे दक्षिणावर्ती शंख में भर करके और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि गंग सर्वता स्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेदम यदूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए अगर आप बरसात के जल को दक्षिणावर्ती शंख में भर करके लड्डू गोपाल या प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए आपके सारे दुख दरिद्र समाप्त हो जाएंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव सुबह शाम जप करें। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, निगेटिविटी होती क्यों है? एक तो वास्तु दोष से होती है निगेटिविटी। घर में अगर आपके टॉयलेट ईशान कोण में है तो निगेटिविटी होगी। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो निगेटिविटी होगी। अगर आपके घर में पूरब तरफ ईशान कोण में सीढ़ियां हैं तो निगेटिविटी होगी। सीढ़ी के नीचे वॉशरूम बनाया हुआ है, आप बाथरूम बनाया हुआ है, तब निगेटिविटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ज़्यादा हो गई है, तो बारिश का पानी लेकर साफ ज़मीन पर रख करके उसको 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और आम या अशोक के पत्ते से ये जल पूरे घर में छिड़कें। ये क्रिया 7 दिनों तक लगातार करें, निश्चित रूप से घर की निगेटिविटी समाप्त होगी। घर में अगर शादी नहीं हो पा रही है, शुभ कार्य रुके हुए हैं, तो बारिश के जल से गणेश जी का अगर अभिषेक किया जाए तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अगर कोई पुराना रोग परेशान कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो बारिश के पानी में नहाते समय महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 3 बार जरूर बोलें। जय मां विंध्यवासिनी।